वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं एक ज़बरदस्त सी डिश बना रही हूँ, वो भी आप लोगों की फरमाइश पे। आप लोगों ने चिकन नगेट्स को बहुत पसंद किया, फिर फरमाइश की मैश पोटैटो की और ग्रेवी की, तो मैं KFC स्टाइल की ज़बरदस्त सी बोल लाई हूँ, चिकन नगेट्स बोल, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएँ, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए ये बच्चों की भी फेवरेट है, बड़ों की भी फेवरेट है, पार्टी प्लेजर है ये, बिल्कुल मजा आ जाएगा सबको जब बनाएंगे तो, और इजी भी बड़ा है। तो देखिए यहाँ हमारे पास इसी तरह के ये तीन आलू मैंने काटे, ये चौथा रखा हुआ है। तो मुझे बताना था कि ये वाला आलू मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें स्टार्च अच्छा होता है तो ये यूज़ करेंगे। आप कोई सा भी ले सकते हैं लेकिन मैंने ये यूज़ किया है। और मैंने बताया था ना मेरे बेटे का वो नगेट्स के साथ मैश पोटैटो एंड ग्रेवी उसे बहुत पसंद है, तो ये उसके लिए तो परफेक्ट है, आइडियल है। बेसिकली ये कंफर्ट फूड में काउंट होता है। और अगर आपको देखना हो तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक मरतबा मैश पोटैटो बोल की एक पूरी डिश लगाई थी, तो वो देख भी सकते हैं आप। वॉश तो थे हमारे आलू, तो अब इसको यूँ काटा, इस तरह से काटेंगे थोड़ा सा, और थोड़े से छोटे पीसेस कर लेंगे, बड़े नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि गल जल्दी से जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं तो आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पतीले में एक पानी रखा हुआ है, चूल्हे को ऑन करेंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और आलू डाल देंगे। बस तो हमें सिंपली आलू को बॉईल करना है फोर्क टेंडर, यानी जब हम फोर्क डालें तो वो टेंडर महसूस हो, हमें अच्छा खासा गला हुआ हो। तो बस अब इसको हम हिलाते हैं, नमक वगैरह मिक्स हो जाए अच्छे से, और इसको अब हम कवर कर देंगे और अराउंड 10 to 12 मिनट्स में ये हो जाएगा हमारा। फिर जब बॉइल्ड आ जाएगा तो थोड़ा सा ढक्कन खोल देंगे ताकि पानी उबल ना जाए। अच्छा तो अब ऐसा करते हैं कि इसको चूल्हे को हम ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ, और यहाँ हम कुछ ग्रेवी और कॉर्न वगैरह बनाते हैं। चले तो ये चूल्हा हम ऑन कर लेते हैं और इसमें अब हम डालेंगे बटर। तो ये हमारे पास देखें 3 टेबलस्पून बटर है, तो इसको डाल देते हैं, थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे हल्का सा। चूल्हा हमारा मीडियम पे ही है। चले अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के मैदा, और मैदे को और बटर को साथ साथ भूनेंगे तो वो मेल्ट होता जाएगा, भुनता जाएगा। ये बेसिकली हमारा ग्रेवी का बेस है। इसमें अगर आप चाहें तो तेल डाल सकते हैं, घी तो मैं नहीं कहूँगी, तेल डाल सकते हैं, हर्ज नहीं है। लेकिन ये कि बटर डालेंगे तो ज़्यादा खुशबू आएगी, लेकिन आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास अवेलेबल है बटर तो डालें, दिल नहीं चाहता तो ना डालें। बस अब इसको इतना अच्छा सा हम भूनेंगे ताकि आटे की और बटर की जो मिक्स होके खुशबू आने लग जाए, रॉ आटे की खुशबू ख़त्म हो जाए, और अगर तेल है तो उसमें भी अच्छा सा भुन जाएगा। देखिए ये बबल होना शुरू हो गया है, तो हमें इसे अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, स्लो रखना है और भूनते रहना है, तभी ग्रेवी हमारी बड़ी मज़ेदार सी बनेगी, वरना जल जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो स्लो आंच पे अच्छे से इसको हिलाते रहेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस दौरान यहाँ हमारे पास 2 कप पानी है, उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के नोर या मैगी का चिकन पाउडर। अगर पाउडर नहीं अवेलेबल है तो क्यूब डाल दें, 2 क्यूब डाल दें, क्योंकि हमें स्टॉक डालना ज़रूरी है। अगर आप क्यूब भी नहीं डालना चाहते तो अब आप चिकन का स्टॉक जो है वो डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून भर के, और यहाँ हम थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च। अब काली मिर्च आप पर है कि कितना डालना है, मैं डालूँगी तकरीबन 1/2 टीस्पून। ये डाल के हम हिला लेंगे, तो ये बेसिकली हमारा एक अच्छा सा चिकन स्टॉक तैयार हो गया है। ये देखें दो दो काम एक साथ कर रही हूँ, मानते हैं आप?
इसको भी हिला रही हूँ, इसको भी हिला रही हूँ। अच्छा देखें, अगर आपको चिकन पाउडर या क्यूब जो है उसके इश्यूज है, तो ये नोर का, ये देखें चिकन का स्टॉक का ये पाउडर भी मिलता है। ये एक कप में डाल के बड़ा अच्छा सा पीने में भी मज़ा आता है, ऐसा भी आप बना के डाल सकते हैं और इतना इजीली अवेलेबल है। लेकिन अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं हमें वो नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। नोर और मैगी दोनों बड़ा कॉमनली है, बड़ा सस्ता सा अवेलेबल है। देखिए ये अच्छा सा हो गया, जाग जाग भी हो रहे हैं। तो अब हम अपनी ग्रेवी डालेंगे, एक हाथ से ये ग्रेवी क्या ये स्टॉक डालेंगे और एक हाथ से हिलाएंगे। नमक नहीं डालेंगे क्योंकि चिकन पाउडर में नमक होता है, तो ये डालते जाएंगे, हिलाते जाएंगे। तो बस शुरू में हमने अच्छे से डाल के हिला लिया और अब सारा डाल देंगे। ये देखें अब ये पकेगी और इसकी कंसिस्टेंसी हमारी पसंद की होगी, तब हमारी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। बस अब ये थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट आएगा ना जब थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे, ताकि वो स्मूथ सी एकदम बने, छोड़ नहीं देंगे बिल्कुल। हल्का हल्का हिलाते रहेंगे और विस्क करना पड़ा तो विस्क भी कर लेंगे, लेकिन हमने अच्छे से घोल लिया है। चले अब इस दौरान हम क्या करते हैं, कॉर्न की तैयारी कर लेते हैं। हमारे पास ये देखिए फ्रोज़न कॉर्न है। अगर आपके पास फ्रोज़न नहीं है तो आप पहले उसे उबाल लें या माइक्रोवेव में कर लें, फिर ये जब सिचुएशन में आए, हमारे यहाँ तो फ्रीज़र में रखे हुए होते हैं, अगर उबाल के भी आप रख देंगे तो वो चलते फिरते बड़े काम आते हैं। तो आप क्या करें कि इसको चूल्हे को हम ऑन करते हैं और इसमें हम डालते हैं एक टेबलस्पून बटर। देखिए ये थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना शुरू हुआ है, तो इसमें अब हम डाल देंगे अपने एक कप कॉर्न के दाने, कॉर्न के दाने, मकई के दाने, भुट्टा जो कह लो, मेरी फेवरेट आइटम मुझे बहुत पसंद है। तो बस इसमें भी खुशबू आए जब तक, बस इसे हमें सॉटे कर लेना है। चलिए ये तो हमारा रेडी हो गया, इसको बंद कर देते हैं चूल्हे को और इसको देखते हैं। ये देखें ये थिक होना शुरू हो गई है। ये देखें ये चम्मच पे आपको गाढ़ा गाढ़ा शाइन नज़र भी आता होगा और ये टपक भी रहा है। लास्ट बूंद थोड़ा स्लो टपक रहा है लेकिन लगातार टपक रहा है, इसलिए कि ये जब ठंडी होती है ना तो गाढ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अब हम चूल्हे को करेंगे बंद और उसको करेंगे डिश आउट। और अब हम अपने कॉर्न को भी निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं उसको भी, सारा यमी यमी सी चीज़ें। और अब ये जिस तरह से स्टीम आ रही है ना, अब हमें ढक्कन को थोड़ा सा हटा देना है। अगर ढके रहेंगे तो पानी किसी न किसी तरह से उबल के और चूल्हे को मैस करेगा। तो अब ये बहुत करीब है, 2-3 मिनट में हो जाएंगे। चलें जब तक हम अपने नगेट्स को काट लेते हैं। आपने मेरी नगेट्स की रेसिपी देखी है, अगर नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं यहाँ डालती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़े मज़े के हैं, बहुत झटपट बनने वाले, ये वही नगेट्स हैं। तो चले इसको अब हम छोटे थोड़े से पीसेस कर लेते हैं। तो चले इसके हम 1 के 4 पीसेस कर लेंगे। ये देखिए कैसे क्रिस्पी है, करारे। चले आप देख लेते हैं आलूओं की क्या सिचुएशन है। तकरीबन 12-15 मिनट हो गए। ये देखें फोर्क जो है वो अच्छे से चला जाए, तो फोर्क टेंडर हो गए। ये देखें इसको अब हम चूल्हे को करते हैं बंद और इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। ये गर्मा गर्म हम स्ट्रेन करके आ गए। अब बस इसे हमें ठंडा नहीं करना है, पानी स्ट्रेन कर लिया, अब इसको हम पोटैटो मैशर से स्मैश करेंगे। और यहाँ हमारे पास देखें 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर है, उसको डाल देंगे। और अच्छे से मैश करेंगे। अगर आपको प्रोफेशनल बनाना है तब आप बटर डालें, बड़ा अच्छा सा लगेगा, यमी सा। लेकिन समहाउ अगर डाइट करनी है या फिर बड़ा इजी वर्जन या सिंपल वर्जन बनाना है तो बटर को अवॉइड भी किया जा सकता है। नहीं ना डालें आप तो क्रीमी जो है वो किसी और तरह से मैं बताऊंगी, वो कर लेंगे, लेकिन इसमें बटर की खुशबू बड़ी मज़े की लगती है। चलिए ये अच्छे से हो गया, थोड़ा सा अब हम चम्मच से इसको टुगेदर कर लेते हैं।
और इस पॉइंट पर हम देखिए अच्छा सा हो गया है, इस पॉइंट पर हम थोड़ी सी काली मिर्चें डालेंगे। नमक तो हमने उबालने में डाला था, तो आपकी मर्ज़ी है आपको कितना डालना है, वाइट पेपर डालना हो तो वाइट डाल दें। मैं थोड़ी सी डाल दे रही हूँ, जितनी क्वार्टर टीस्पून के आसपास। और इसमें हम डालेंगे, ये मेरे पास क्रीम है, लेकिन क्रीम डालना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप दूध डालें। और दूध के अंदर ये 4 टेबलस्पून है, आप दूध लें और उसके अंदर 1-2 टेबलस्पून भर के बालाई डाल दें, इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा वो। तो चले, मेरे पास तो नहीं थी तो मैं ये डाल रही हूँ, लेकिन आपके पास घर में हो तो वो आप डालेंगे तो बहुत ख़तरनाक बनेगा। और अब हम दोबारा इसको मिलाएंगे। अच्छा मैश पोटैटो होगा तो बोल ज़बरदस्त सा बनेगा। बस तो ये हो गया। और अब मैं आपको, आप चाहें तो पूरी डिश भी असेंबल कर सकते हैं फुल, लेकिन ये कि अगर नहीं खाना हो तो इंडिविजुअल अगर बोल करेंगे तो क्या फ्रेश भी रहेगा, नगेट्स भी क्रिस्पी रहेंगे। तो मैं अभी आपको एक असेंबल करके बताती हूँ बोल के कैसे बनाया जाता है। तो चले एक हम बोल लेते हैं और उसमें हम अराउंड 1 कप के आसपास मैश पोटैटो डाल देंगे। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे नगेट्स। चले थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचाएंगे। अब उसके ऊपर डालेंगे भुट्टा, ये बड़ा अच्छा लगता है इसका क्रंच। ये भी थोड़ा सा ऊपर डालेंगे। अब डालेंगे ग्रेवी और अब इसके ऊपर डालेंगे चीज़। ये देखिए हमारे पास चेडर है और थोड़ी प्रोवलोन है, आपको जो दिल चाहे आप डाल सकते हैं। चीज़ डाल दी, अब थोड़े से चिकन नगेट्स जो हमने बचाए हैं वो डाल देंगे, थोड़े कॉर्न डाल देंगे और ऊपर से ग्रेवी डाल देंगे थोड़ी। देखा कैसे झटपट हमारा ज़बरदस्त सा मैश पोटैटो बोल बन गया। अब देखिए हमने चिकन नगेट्स बना के फ्रीज़र में रखे हुए हैं, बच्चों को वो दे रहे हैं, फिर चेंज के तौर पे ये बना दिया, पार्टी को बना के देना है तो वो भी सिर्फ पोटैटोज उबाल लिए, थोड़ा कॉर्न वगैरह डाला, ग्रेवी बनाई और एक शानदार सी डिश बन गई जिसमें सभी खुश हो गए, मानते हैं। अब ये तो क्या कहते हैं, मैं बनाया है हमारे ये डायरेक्टर साहब के लिए, तो मैं ये बेसिकली ये झूठा नहीं कर रही हूँ, ये डिश नहीं है, ये मैश पोटैटो बोल उसका बोल है, तो मैं उसमें से खा रही हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। हकीकतन इतना कोजी, क्रंपी, क्रीमी, मज़ेदार है नगेट्स का फॉर्म, ऊपर से अंदर से जूसी जूसी, कॉर्न का टेक्सचर, इसमें एक चेरी ऑन टॉप, ग्रेवी और जो मैश पोटैटो मिलके और चीज़ के साथ जब मुंह में गया तो आपको मैं बता नहीं सकती, बंडल ऑफ जॉय जा रहा था अंदर। इतना कम्फी फूड है कि आप बस पलंग पे बैठ के या मूवी देखते देखते खा रहे हैं, पेट भर गया, सारा प्रोटीन भी मिल गया, कार्ब मिल गया, सब चीज़ मिल गई, वेज भी मिल गया और फिर कुछ लपड़ चपड़ ही नहीं कि भाई ये निकाल रहे वो निकाल रहे। ये एक मतलब ऐसी डिश है कि बनाने जैसी है। अब ये देखिए इस तरह से भी रखी जा सकती है, मैंने बनाई इसीलिए है कि अब जब बच्चे स्कूल वगैरह से आएंगे तो वो ये खाएंगे, डायरेक्टर साहब ये खा लेंगे, तो आप बड़ा एकदम बड़ी सी ट्रे भी पार्टी के लिए बना के रख सकते हैं। नगेट्स लास्ट में भी डाल सकते हैं, ग्रेवी लास्ट में डाल सकते हैं, सारा प्रिपेयर करके रख लें। तो अब आप लोग स्कूल में लंच बॉक्स में भी दें, पार्टीज़ में भी बनाएं, वीकेंड्स में भी बनाएं, मज़े करें और धमाल मचाएं। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह, फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।